ये कराची वाले रात में सड़े हुए क्यों होते हैं, आइए आपको बताता हूँ। शाम के 6 बजे हैं, छुट्टी हो गई और अब एक इम्तिहान शुरू हो गया है घर पहुँचने का, तो आए इस अजाब में हमारे हम सफर बनिए। ये पहला सिग्नल है जिस पर ट्रैफिक कांस्टेबल खुद लाल पीला हो रहा है। दूसरे पर भी रोड तंग हो गई, आवाम में जंग हो गई। रक्षा, टैक्सी और बाइक सारे रूल्स भुलाकर सुई से धागे की तरह निकलना चाह रहे हैं। मेट्रोपोल का ट्रैफिक जाम 10 मिनट ये भी खाएगा। शारे फैसल पर ट्रैफिक रवा दवा, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कटिंग कर रहे हैं लोग। नेशनल स्टेडियम का ब्रिज और ये आ गया आपका बॉटलनेक। हसन स्क्वायर को आप कराची का सेंटर भी कह सकते हैं और यहाँ जारी है बेहतरीन प्लानिंग और जबरदस्त मुतबादल रस्तों के साथ कंस्ट्रक्शन। सर्विस रोड को मेन रोड का दर्जा दे दिया गया है, मगर सर्विस रोड पर मौजूद कारोबार जू का तू है। हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। साथ ही वाटर टैंकर्स का तड़का, बच सकते हो तो बचो, एकदम हटो बचो। नीपा से गुलशन चौरंगी फ्री बम्पी राइड के लिए हो जाए तैयार। गाड़ी के शॉक्स और कमर के मोरे दोनों टेस्ट हो जाएंगे और खुले गटर गंदा पानी से बचना आपकी जिम्मेदारी है। डिस्को बेकरी पर मिला पहला सिग्नल जो चल भी रहा है और ग्रीन भी था, मगर इन भाई को इससे क्या कि किसका खुला है। इन भाई ने सिर्फ बड़ी गाड़ी ही नहीं रोड भी खरीद लिया है। और अब हम पहुंच गए अपनी मंजिल यानी मस्कन चौरंगी तकरीबन 1.5 घंटे में। रोजाना मेरी जिंदगी का ये 1.5 घंटा इसी जेनी कोफ्त और जुस्मानी तकलीफ की नजर हो जाता है। अब बताए ऐसे में मैं या इस अजियत से गुजरा हुआ कोई भी दूसरा शख्स चिढ़ा हुआ, सड़ा हुआ, पका हुआ और थपावा नहीं मिलेगा। बस एक गुजारिश है, कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे शहरी की अजियत में इजाफा ना हो।